आरोग्य जागृति। आज हम आपको मिलाएंगे एक ऐसी ईश्वर रूपी डॉक्टरों की पूरी टीम से जिन्होंने एक चमत्कार कर दिखाया। जी हाँ, चमत्कार। मैं चमत्कार इसलिए कह रहा हूँ, औरंगाबाद के धूत हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने एक ऐसे पेचीदा ऑपरेशन को अंजाम दिया है जो कि 10,000 लोगों में किसी एक मरीज को इस तरह के पेचीदा ऑपरेशन से गुजरना पड़ता है। ऐसा ही एक पेशेंट, उम्र 60 साल, आनंदराव आवकाळे, जवखेड़ा जाफराबाद के रहने वाले, अचानक चक्कर आई और गिर पड़े। इन्हें हॉस्पिटल लाया गया, तब इको और ईसीजी करने से कुछ चौंकाने वाले रिजल्ट सामने आए और पता चला कि उनका दिल अपने जगह पे मौजूद नहीं है। जी हाँ, अपनी जगह पे मौजूद नहीं है, वो दूसरी तरफ कहीं और धड़क रहा था। जैसे नॉर्मल इंसान का दिल लेफ्ट साइड में होता है, लेकिन आनंदराव का दिल बिल्कुल उल्टी दिशा, राइट साइड में था। इसे डेक्स्ट्रोकार्डिया कहते हैं। ये 10,000 लोगों में किसी एक को पाया जाता है। आनंदराव के दिल की नलिकाओं में काफी ब्लॉकेज पाए गए जो कि बड़े और काफी लंबे भी थे। वैसे देखा जाए तो दूध हॉस्पिटल में ये पहला ऑपरेशन नहीं, इसके पहले भी ऐसे 3 ऑपरेशन हो चुके हैं। दोस्तों, ये एंजियोप्लास्टी इसलिए क्रिटिकल हो जाती है कि मेडिकल फील्ड में आमतौर पे हार्ट एंजियोप्लास्टी के लिए बनाए हुए इक्विपमेंट, इसे साधारण भाषा में औजार कहेंगे। ये औजार नॉर्मल हार्ट यानी जिनके हार्ट सही जगह पे है, ये उन्हीं के हिसाब से बने होते हैं। डॉक्टरों के लिए ये बड़ा चुनौती वाला काम होता है। हर चीज उल्टी नजर आने लगती है, मानो जैसे आईने में देखकर ये पेचीदा ऑपरेशन कर रहे हो। डॉक्टर विलास मगरकर, डॉक्टर प्रवीण लाठी, डॉक्टर बोरगांवकर, डॉक्टर रिजवान देशमुख, डॉक्टर मुनीर अहमद, डॉक्टर दीपक बोर्डे और डॉक्टर हिमांशु गुप्ता जी की टीम ने 60 साल के आनंदराव को फिर से जीवन दान देकर उनके परिवार में आनंद लौटाया है। ये ऑपरेशन काफी महंगा होता है, लेकिन धूत हॉस्पिटल ने इसे मुफ्त योजनाओं के अंतर्गत किया है। आरोग्य जागृति सभी डॉक्टर्स और धूत हॉस्पिटल को नमन करता है। मैं डॉक्टर विलास मगरकर, मैं चीफ कार्डियोलॉजिस्ट हूँ सेठ नंदलाल दूध हॉस्पिटल औरंगाबाद में। हम आज आपको कुछ अलग बताने जा रहे हैं। कल हमने एक रेयर एंजियोप्लास्टी की। नॉर्मली पेशेंट का हार्ट ये लेफ्ट साइड को रहता है, ऐसे पेशेंट में हार्ट राइट साइड को था और सारे उसके शरीर के ऑर्गन्स अपोजिट साइड में थे। मल्टीपल ब्लॉक्स थे जो कि बाईपास के लिए फिजिबल नहीं थे, और बाईपास करना ये डेक्स्ट्रोकार्डिया के पेशेंट में डिफिकल्ट था। ऐसे इसमें हमने मल्टीपल लंबे लंबे स्टेंट करके ये डेक्स्ट्रोकार्डिया की पेशेंट की एंजियोप्लास्टी कल की। ये एक काफ़ी रेयर चीज़ समझी जाती है। 10,000 में से एक लोग डेक्स्ट्रोकार्डिया साइटस इन्वर्सस लेके होते हैं और उनको हार्ट का प्रॉब्लम होना, हार्ट के नसों में ब्लॉक होना, वो ब्लॉक की एंजियोप्लास्टी लगना, मल्टीपल ब्लॉक रहते हुए एंजियोप्लास्टी करते जाना, ये काफ़ी रेयर है। इस तरह के 3 हम ऑलरेडी एंजियोप्लास्टी कर चुके हैं जो नेशनल जर्नल्स में भी आया है। ये 4th एंजियोप्लास्टी है और ये मल्टीवेसल एंजियोप्लास्टी है जिसमें लंबे लंबे स्टेंट्स हमने डाले हैं। डेक्स्ट्रोकार्डिया में पेशेंट को हार्ट की लक्षण उसी तरह के रहते हैं, सिर्फ छाती का दर्द उनको सेंटर को और लेफ्ट को ना होते हुए सेंटर को और राइट को रहता है। राइट हैंड में, राइट आर्म में उसका रेडिएशन जाता है, राइट जबड़ों में और बैक साइड को, राइट को पेन जाता है। उनका ईसीजी भी हमें अलग अपोजिट डायरेक्शन में, उल्टे डायरेक्शन में राइट साइड को लीड्स निकाल के, जिसको हम V3R V4R इस तरह से बोलते हैं, वो लीड्स निकाल के उसका डायग्नोसिस करना पड़ता है। डिफिकल्ट रहता है क्योंकि सारे जो कैथेटर्स है, हमारे सारे वस्तुएं जो एंजियोप्लास्टी के लिए निकली है, वो सब नॉर्मल हार्ट के लिए निकली है। तो इनकी केस में उल्टी हार्ट में इस तरह के नस को कैनुलेट करना, उसके ऊपर उसमें से वायर पास करना, बलून करना, स्टेंट करना, ये टेक्निकली काफ़ी डिफिकल्ट है। पर्टिकुलरली जो हम एंजियोग्राफी के इमेजेस एंजियोप्लास्टी के दौरान लेते हैं, वो भी उल्टे डायरेक्शन में, उल्टे व्यू में लिया जाता है, और हमें कंटिन्यूस ये सोचना पड़ता है कि हम आईने में, मिरर में देख रहे हैं, और उस तरह से काम करना पड़ता है। जूथ हॉस्पिटल में डेक्स्ट्रोकार्डिया की हमारा ये 4th एंजियोप्लास्टी है, ये पहला जीवनदायी में हमने किया है डेक्स्ट्रोकार्डिया का पेशेंट। इसको खर्चा कितना आता है सर? नॉर्मली इसको 2 से 2.25 लाख रुपए का खर्चा नॉर्मल लगता है, नॉर्मली लगता है। और कुछ संदेश देना चाहेंगे पेशेंट को ऐसा कुछ? डेक्स्ट्रोकार्डिया साइटस इन्वर्सस ये बीमारी नहीं है, ये एक नॉर्मल चीज़ है। सिर्फ आपके अवयव जो साइड को रहना है उसके अपोजिट साइड को है, इसकी पूरी तरह से ट्रीटमेंट हो सकती है।
काबिल टीम अगर रही तो इसको पूरी तरह से हैंडल करके सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। मेडिकल डायरेक्टर दूध हॉस्पिटल, दूध हॉस्पिटल में अक्सर गरीब लोगों का काम बहुत अच्छी पैमाने से हम हमेशा करते आते हुए, और कार्डियक इलनेसेस पर्टिकुलरली आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, और ये आज का जो एक केस खास करके हमने हमारे डॉक्टर मगरकर ने जो किया है वो एक बहुत रेयर केस समझा जाता है, और टेक्निकली ये बहुत चैलेंजिंग और डिफिकल्ट केस हुआ है। आनंद राव कोणत्या गावचे आहे तुम्ही? जवखेडा जाफराबाद तालुका। बरं, तुम्हाला काय झालं होतं आणि कोणाला दाखवलं तुम्ही? मला सुरुवातीला चेक करून पडलो होतो आणि त्याच्यामध्ये मी पहिलं सुरुवातीला चिखलीला दाखवलं। बरं, चिखलीला 4 दिवस भरती झाल्यानंतर मग तिथून इथे डायरेक्ट आलो। बरं, इथं कसं वाटलं तुम्हाला ऑपरेशन? आता कसं वाटतं? एकदम आनंद वाटलं। डॉक्टर साहेबांचं हे कसं राहिलं तुम्ही? एकदम सौजन्यपूर्ण काम राहिलं। आणि रुग्णालयाबद्दल खूप ज्यादा मैं सर प्रथम तो बहुत ही बधाइयाँ देता हूँ हमारे कार्डियोलॉजी टीम को, जिन्होंने डेक्स्ट्रोकार्डिया के ऐसे केसेस में बहुत काम किया है, और ये काफ़ी जटिल शस्त्रक्रिया थी, एंजियोप्लास्टी काफ़ी जटिल थी, जिसको उन्होंने बहुत ही अच्छे तरह से पूरा करके रोगी की जान को बचाया। महत्वपूर्ण बात यह है कि सेठ नंदलाल दूध हॉस्पिटल न केवल महात्मा ज्योतिबा फुले जीवनदायी आरोग्य योजना में सहायक है, बल्कि जितने भी सरकारी योजनाएं हैं उनमें बढ़ चढ़ कर भाग लेता है, और हॉस्पिटल का उद्देश्य यही रहता है कि यहाँ आने वाले सभी रोगियों को सर्वोत्तम उपचार मिले, सभी प्रकार की सहायता माफक दरों में रहे, और यदि किसी भी प्रकार की आर्थिक अड़चन आती है तो उसकी परवाह ना करते हुए सेठ नंदलाल दूध हॉस्पिटल का प्रशासन, मैनेजमेंट और सभी कार्य करने वाले डॉक्टर्स रोगी को सर्वोपरि मानते हुए अपनी सेवाएं देते हैं।